भागलपुर जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी पंचायत की मुखिया शबाना खातून के पति मंजूर आलम की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी पंचायत के बद्रे आलमपुर की निवासी अंजुम खातून अपने पति के साथ तकरीबन 2 माह से लगातार हाजरी फातिमा के लिए मजार पर जाया करती थी। इसी क्रम में मुखिया शबाना खातून के पति मंजूर आलम ने अपने बेटे और सहयोगी के साथ मिलकर अंजुम खातून के पति मोहम्मद सुलेमान के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वहीं मारपीट के दौरान अंजुम खातून के पति मोहम्मद सुलेमान गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं पीड़िता अंजुम खातून ने काफी संख्या में ग्रामीणों के सहयोग से थाना पहुंचकर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हबीबपुर थाना की पुलिस ने मोहम्मद सुलेमान को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। वहीं बता दें कि पंचायत में जहां लोग अपनी समस्या का समाधान को लेकर के पंचायत प्रतिनिधि का चयन करते हैं, वहीं शाहजंगी पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि दबंगई पर उतर आए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरा अंजुम खातून। क्या मामला हुआ? अरे भैया, हम लोग का अदालत चलता है, 4-5 महीना से हम जा रहे, मेरा आदमी भी जा रहा, ठीक है ना। वहाँ गए, जब हम लोग गए तो वहाँ पे मंजूर मुखिया वाला, यहाँ पे अदालत नहीं, दो लेडीज लोग, तो हम लोग उठ के चले आए, पहाड़ पे चले गए हैं। मेरा आदमी पीछे से आया, उसको नहीं मालूम था कुछ भी कि ये लेडीज में क्या बात हुआ है, मंजूर मुखिया क्या बोला, उसको कुछ नहीं पता था। और फिर बाद में गए चूमने के लिए तो मंजूर मुखिया बोले कुंची तुम यहाँ अंदर नहीं जा सकते। मेरा आदमी सिर्फ यही बोला कि ये मेरा अदालत चलता है, हम यहाँ पे आते हैं रोज, डेली का बात है। तो बोले तुम यहाँ पे अदालत नहीं दोगे? बोले अच्छा ठीक है, आज के बाद हम नहीं आएंगे, कहीं के भी है हम चले जाएंगे। बस तुम यहाँ पे लड़कीबाजी करने आए हो? तो बोले नहीं, मेरा रोज का अदालत चलता है यहाँ पे। और फिर इतना ही बात बोलना, और मंजूर मुखिया मोटा सा डंडा लेकर के मार के बेहोश करके वहीं पे छोड़ दिया। मेरा आदमी किसी तरीके से भी रोड पे आया, और फिर हम लोग को कोई कंफर्म किया, हम लोग वहाँ पर से उठा करके लाए। क्या नाम है लड़के का? मोहम्मद सुलेमान। आपका पति है? हाँ, मेरा आदमी है, ये मेरी लड़की है, छोटी सी 4 साल की। अभी कहाँ जा रही हैं आप लोग? अभी हम लोग जा रहे हैं थाना केस करने, और हम लोग को पैसे का भी लालच दिया। उसके घर पे गए कंप्लेन करने तो बोली ठीक है, तुम लोग ऐसे हड़बड़ नहीं करो, जो खर्चा होगा हम दे देंगे। हम लोग को खर्चा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारा शौहर आज मर जाता तो क्या कौन पैसा, और मंजूर मुखिया का कौन महल मेरा हमको काम आ जाता? हमको नहीं चाहिए पैसा। आवेदन दिया आपने? नहीं, अभी दे रहे हैं, आवेदन लिखा रहे हैं। लिखा रहे हैं? क्या बोला थाना वाला? सब लोग बोला कि ठीक है केस करो, साथ देंगे, सब लोग बोल रहे हैं, लोग करेंगे। खातून। कहाँ घर हुआ आपका? बद्रे आलमपुर। साजेंगी। इस बच्चे को कौन मारा है? मंजूर मुखिया। मारा किस चीज से मारा पता है? पैर था हाथ में रट ऐसा, उसी से मारा। उसके कहाँ आई है अभी आप? अभी हम यहाँ थाना आए, हबीबपुर। हाँ, इंसाफ दिलाने के लिए। क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहते हैं सर। आज मेरा सवार को, बहन दामाद को मारा, आदमी को किसी का और कल मारेगा। हम गरीब हैं, उसके मतलब क्या कहना, खाते कमाते अपना खून की जिंदगी से जीते हैं, उसके बल के सहारे नहीं जीते हैं। गलती किया, बोलता बांध के रखता, दो लफ्फर मारता, कितना दूर में घर था, हम लोग सगाते हैं।